नमस्ते किसान भाइयों, आज बात करते हैं पारिजात का मोजाती। मोजाती जो कीटनाशक है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। टेक्निकल कौन सा है, कैसे काम करता है, डोज कितना लेना है, कीमत कितनी है और साथ ही साथ हम इसका कौन सी फसल पर इस्तेमाल करें और कौन सी फसल में से कौन से कीट को अच्छी तरह से मार गिराता है। बात करते हैं टेक्निकल से। टेक्निकल में इसमें फिप्रोनिल 4%, थाइमेजोन 4% ऐसी फॉर्म में आता है। इसमें दो टेक्निकल होने की वजह से दो तरह से काम करता है, यानी कि फिप्रोनिल जो है वो कॉन्टैक्ट तरह से काम करता है, थाइमेक्सोन जो है वो सिस्टमेटिक तरह से काम करता है। डोज की बात करें तो 300 मिली प्रति एकड़ का डोज है इसका, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम तरह से काम करता है, यानी कि बहुत सारे कीड़े को और जैसे कि रचुकाने चुबाने वाले या कैटरपिलर ये दो तरह से दो ही कीड़ों को अच्छी तरह से मार के रहता है। छिड़काव के बाद आपको तुरंत रिजल्ट देखने को शुरू होता है और लंबे समय तक हमारी फसल को कीटों से दूर होता है। इसमें सिस्टमेटिक होने की वजह से छिड़काव के बाद पत्तियों के अंदर जाके पूरे पौधे को जहरा लगाना चाहिए। जो भी पत्तियाँ खाने वाले कीट है उनके स्टमक पॉइजन होने की वजह से मर जाता है। बात करते हैं इसके छिड़काव के बाद कौन कौन से कीट मर जाएंगे। दो धान में से मेजर BPH, ग्रीन लीफ ऑपर, WPH, माहू तेला, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, माइट्स और ईसुंडी, हरी इली, हरा तेला, माहू तेला, सेकेंड, यानी कि जिसमें भी सेकेंड के स्टोर कैटरपिलर लार्वा होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरह से कंट्रोल कर लेता है। बात करते हैं इसका इस्तेमाल धान, गेहूँ, कपास, मिर्च, टमाटर, गन्ना, लहसुन, प्याज, भिंडी, सोयाबीन, मूँगफली आदि फसलों पर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। हम इसका डोज की बात करें तो 300 मिली प्रति एकड़ का डोज है। इसके रिजल्ट कम से कम 15 से 20 दिनों तक फसल पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ हम कोई भी फंगिसाइड, वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर या PGR प्रोडक्ट भी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव के बाद जो भी अपनी फसल में लाभकारी हम कीड़ रहते हैं जैसे कि बेनिफिशियल इंसेक्ट, उनको कोई भी हानिकारक नहीं है, सुरक्षित है। इसके छिड़काव के बाद जो भी एग्स रहते हैं, अंडे रहते हैं, अंडे को भी मार के रहता है, यानी कि जो भी अगले आने वाली जनरेशन है कीड़ की वो भी जगह ही मर जाती है। तो धन्यवाद। आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने जय किसान चैनल को। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।